गुर्दे की पथरी इंसान के गुर्दे फेल कर सकती है मेरा नाम है डॉक्टर मैर आज आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे तो स्टार्ट करते हैं गुर्दे इंसान के जिसम के अंदर एक इंतहाई अहम रोल का जो है वो रखते हैं इसमें उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि गुर्दे इंसान के खून को साफ़ करते हैं और इंसान के खून के अंदर मौजूद जितने भी ख़तरनाक मादे होते हैं जैसे कि कैरेटन हो गया यूरिया हो गया और जितने भी जहरीले मदे होते हैं उनको ये ख़ास लेवल से ऊपर जाने से रोकते हैं ताकि आपके जिसम के अंदर नुकसान ना हो तो आप, आपका गुर्दा सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो होता होता क्या कि ये जो जहरीले मदे होते हैं ये बढ़ जाते हैं ठीक है तो जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से खतरा जो हैं वो जिसम के अंदर बढ़ जाते हैं और मसले मसायल आना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन अब जब भी गुर्दे के अंदर पथरी होती है होता क्या है कि वो पथरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है जब छोटी पथरी होती है तो वो कोई मसला मसाइल ज़्यादा नहीं पैदा कर रही होती ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द लेके आ रही होती है लेकिन जब पथरी या फिर जो स्टोन है किडनी स्टोन है वो जब बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाता है जब वो साइज़ में इंक्रीज होने लग जाता है तो होता क्या है कि वो गुर्दे को नुकसान पहुंचाने लग जाता है अब गुर्दे का साइज़ क्योंकि एक इतना सा होता है एक छोटी सी यूँ समझें अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो मेरी मूठी है ना इतना गुर्दा होता है ठीक है तो अब उसके अंदर जब पथरी भी बड़ी होना शुरू हो जाएगी पत्थरी जो पैदा हो चुकी है जब उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगी तो होगा क्या कि जो गुर्दा होता है गुर्दे को डैमेज करेगी गुर्दे का साइज़ कम होता जाएगा गुर्दा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है जैसे जैसे गुर्दे का साइज़ कम होता जाएगा और पथरी का साइज़ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा गुर्दा अपना काम आहिस्ता आिस्ता छोड़ देता है जब गुर्दा अपना काम करना छोड़ देता है तो आपके जिसम के अंदर करेटेन की मकदार यूरिया की मकदार ये बढ़ना शुरू हो जाती है और इस सिचुएशन को हम कहते हैं जो है वो गुर्दे फेल हो गए हैं ठीक है थीके? तो इसके लिए कुछ लोगों को जो है वो जब किडनी वगैरह के अंदर से जो स्टोन्स होते हैं या पथरी होती है वो निकाली जाती है तो कुछ लोगों के जो गुर्दे होते हैं वो बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ लोगों के गुर्दे जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं यानी कि मुस्तकिल तौर पर काम करना छोड़ देते हैं तो किडनी स्टोन जो है वो बड़े ख़तरनाक चीज़ है अगर आपको है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं कुछ रेमडीज़ वगैरह मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी कि गुर्दा अगर के अंदर अगर आपको पथरी की शिकायत आ रही है तो क्या चीज़ें हैं जो वो घर पे आप कर सकते हैं तो वो आप जाके देखिएगा आपको फ़ायदा होगा इसके अलावा एक और चीज़ है बोनस टिप जो लोग अभी तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे हैं उनको मैं एक और बात बताऊँ कि जो गुर्दों का काम होता है वो सिर्फ खून की सफाई तक जो है वो नहीं रहता गुर्दे एक ख़ास किस्म का केमिकल बनाते हैं जिसे कहते हैं एरेथरोपोटिन ये एरेथरोपोटिन जो है वो जिसम को बोन मैरो को जाके ये बताता है कि आपने जो है ना वो खून पैदा करना है अपने रेड ब्लड सेल पैदा करने है जब गुर्दे डैमेज हो जाते हैं गुर्दे फेल हो जाते हैं तो ये जो एरथरोपोइन है, है ये जो केमिकल है ये बनना भी बंद हो जाता है जब ये बनना बंद होता है तो इंसान के अंदर खून की कमी भी शुरू हो जाती है तो ये मसले मसाइल आते हैं अलबा अगर आप जानना चाहते हैं कि गुर्दे के अंदर जो पथरी है उससे क्या क्या, -क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं या क्या क्या आ सकती हैं तो वो भी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी और अगर आपको कोई ख़ास किस्म के मसले मसाल आ रहे हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट डाल के देख सकते हैं वीडियो के मैं आपको जरूर जो है वो इस बात को आंसर करूँगा और अगर आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मेरे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो दैट्स ऑल दिस डॉक्टर अल्लाह हाफिज़